इस इलाके का एक नाम और भी है, टाइगर जोन, द जोन ऑफ टाइगर नागेश्वर राव। मैं गाइस तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे साउथ के मास महाराजा यानी कि रवि तेजा सर की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के बजट कलेक्शन और जो है कि रिलीज डेट के बारे में। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। तो अगर आप भी रवि तेजा सर के फ़ैन हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी का नाम की। तो ये मूवी जो है इसका जो ऑफिशियली नेम है वो अनाउंस किया गया है, वो है टाइगर नागेश्वर राव। जी हाँ गाइस, टाइगर नागेश्वर राव नाम से ये मूवी आ रही है। और बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो ये जो मूवी है वो यानी कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। जी हाँ गाइस, तो ये जो मूवी है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और ये 1970 के जो है कि एक फेमस डाकू थे जिनका नाम था टाइगर नागेश्वर राव, उनकी कहानी पे बेस्ड है। और उन्होंने जो है कि उनके यहाँ पे जो है कि काफ़ी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में दिखाई जाएंगे, क्योंकि वो जो यानी कि डाकू थे वो काफ़ी फेमस थे और वो बहुत ही चालाक भी थे। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा चालाक और साथिर दिमाग के यानी कि इंसान थे, और इसीलिए इस मूवी में जो है कि उनकी साथिरता को दर्शाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है कि कई बार जो है कि यानी कि जेल से भी यानी कि उन्होंने जो है कि कैसे मतलब जेल से बाहर आए चालाकी से अपनी, और जो है कि कैसे लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाया, मतलब बहुत सारी कहानियाँ भाई। मतलब ये तो एक बहुत ही साथिर इंसान थे। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था स्टोरी के बारे में, तो मुझे भाई लगा कि इनसे साथिर इंसान तो भाई इंडिया में हो ही नहीं सकता भाई। और इसी पे बेस्ड ये मूवी है, और इसमें आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा और काफ़ी यानी कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इसीलिए आज हम बात करेंगे इस। तो आज हम अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में आपको लीड में जो दिखाई देंगे वो है रवि तेजा सर और नपुर सेनन और रेनू देसाई। जी हाँ गाइस, तो ये आपको इस मूवी के लीड में दिखाई देंगे। वहीं बात करें इस मूवी के जो है कि सपोर्टिंग स्टार कास्ट के बारे में, तो इसमें आपको गायत्री भारद्वाज और प्रवीण और उसके साथ साथ जो है कि मुकेश छाबरा भी नज़र आएंगे इस मूवी में। और वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो वो तो यानी कि 100 करोड़ के करीब है। तो अगर हम बात करें अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी को जो है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाके में एक गांव, दुनिया को डराने वाला अंधेरा भी वहां के लोगों को देखकर डरता है। धड़ धड़ भागने वाली रेलगाड़ी ट्रेलर है वो अगस्त के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें यानी कि इस मूवी का कितना कलेक्शन ये कर सकती है यानी कि बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो ये मूवी क्योंकि काफ़ी अच्छे इसमें सीन्स रहेंगे, एक्शन सीन्स, और बजट भी काफ़ी अच्छा है, विजुअल्स भी काफ़ी शानदार रहेंगे, तो इसका जो यानी कलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से वो करीब करीब 250 से 300 करोड़ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। तो आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस मूवी में जो है कि अहम किरदार में जो यानी कि नज़र आएंगे अनुपम खेर जी, उनका वैसे काफ़ी अच्छा रोल है इस मूवी में। वैसे वो ज़्यादा देर तो इस मूवी में नज़र नहीं आएंगे, बट उनका जो रोल है वो भी काफ़ी शानदार है इस मूवी में। तो अगर हम वैसे इस मूवी की जो है कि स्टोरी जो है कि वो काफ़ी शानदार है भाई, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मूवी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कि अपने यानी कि ऐसे भी दिखाया गया कि सिस्टम जो है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकता है कि अगर कोई मतलब साथिर इंसान है तो इसे उसको मतलब कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो मतलब उससे बचने के उपाय भी बताए गए हैं। तो मतलब मूवी जो है कि हर व्यक्ति को देखनी चाहिए जो साथिर है और नहीं भी है, तो मतलब बहुत ही एक मतलब काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है। तो अगर आप सबसे पहले अगर रवि तेजा सर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।